हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर करग्रो पर। तो आप देख सकते हैं ये परमल की बेल है। तो इसको ऐसे मूली के जैसा नीचे लगता है तो जिसे ग्रो होती है। तो ये हमारे घर के पीछे बैक साइड में जो बेल लगी हुई उसमें परमल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से हमने उखाड़ के अपने घर में लगाई थी। तो दिखाते हैं आपको, अपने घर में चलते हैं तो दिखाते हैं आपको कैसे लगाते हैं इसको। बड़े ईजी तरीके से लग जाती है। तो हमने पहले भी काफ़ी लगा रखी हैं, तो जिसमें से आज हमने हार्वेस्ट भी किया है तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये हमने मिट्टी का टीला सा बना रखा है पहले से जो, तो वहाँ पर हमने खुदाई करके ऐसे सेम इसको रख के और यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे और थोड़ा सा बाद में पानी लगा देंगे हम। तो ये पहले वाली जो बेल हमारी लगी हुई है, तो ये जो आज हमने हार्वेस्ट किया है इन बेलों से, तो आपको पूरी बेलें भी दिखाएंगे। तो ये मेरा बेटा है जो हार्वेस्टिंग में हमारी मदद कर रहा है। तो ये हम सब्जी वाले को देकर और दूसरा सब्जी चेंज करके लेके आएंगे। तो इतना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा का सब्जी तो नहीं बनाएंगे। तो ये हम बिजनेस तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुनाफे वाला काम है। हमें तो जो समर सीज़न है इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। ये बेल बड़ी आसानी से लग जाती है, कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते इसको हम, और सिर्फ खाली पानी डालते हैं वो भी 2-3 दिन बाद। तो आप लगा सकते हैं, जैसे हमने ये लकड़ी के डंडे बांध कर और इसके साथ में ये बेल ऊपर चढ़ा रखी है, तो ऐसे आप खेत में लगा के काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। अपने घर में जो ग्रीन नेट आता है उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, और क्रीपर नेट आता है उसके ऊपर तो बहुत अच्छी चलती है, और लगाएंगे तो अच्छा, इतना अच्छा फल देती है, बहुत अच्छा फल देती है। तो ये हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इसकी। तो तकरीबन हमारे यहाँ पर ये 50 रुपया केजी तक बिक जाता है, तो जो बड़े शहर हैं उनमें 200 रुपीज़ जो इसका प्राइस चला जाता है। तो मार्केट में ये बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। तो इसको परमल की बेल बोलते हैं, परमल हमारी भाषा में तो जो परमल ही बोलते हैं इसको। तो सब्जी इसकी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। ये हमारा बेटा भाग रहा है लेके इसको। तो ये हमने काफ़ी सारे यहाँ पर निकाल के रख लिए थे, तो अभी ये टोकरी में डाल लेंगे। तो हमारा बेटा ये डेली ऐसे यहाँ पर लगते रहते हैं, कुछ ना कुछ निकालता रहता है, कभी यहाँ से तोड़ लिया, वहाँ से तोड़ लिया। तो ये हमारी जो रेलिंग लगाई हुई है हमने, जो गाय भैंस रखी हुई है उसकी वजह से लगाई हुई है, तो जो पौधों को नुकसान ना, दूसरे फ्रूट वाले पौधे भी काफ़ी लगे हुए हैं, अंजीर लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, चीकू लगा हुआ है और एप्पल बेर भी लगा हुआ है। तो इसकी वजह से हमने इसकी जो बाउंड्री है वो बना रखा है, लॉकिंग जोन में है जो पूरे प्लांट है। पहले हमने काफ़ी एप्पल के पेड़ भी लगाए थे, तो जो हमारे गाय भैंस कई बार रात को सोए टाइम में खुल जाती है, तो उस टाइम में ये पौधों का बहुत नुकसान करती है, तोड़ फोड़ देती है। तो इस वजह से हमने ये लगा दिया। तो इसके अपने ऊपर ये बेल चढ़ा दी, तो इसका हमको डबल फायदा हो गया। एक तो बेल से हम ये सब्जी वगैरह निकाल लेते हैं, तो एक प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन हो जाती है पौधों के लिए। तो पहले हमने इसमें पूरा प्याज लगा रखा था इसके अंदर में, जहाँ हम परमल निकाल रहे हैं। तो इसकी साइड में हमने ग्रेप की वाइन भी लगाई हुई है। तो काफ़ी हमने जो बेलें इसमें लगाई हैं, तो ये 4-5 बेलें लगाएंगे तो आप इसके बहुत अच्छा फैलाव करती है, तो बहुत अच्छा ही फ्रूट लगता है इसको, ज़्यादा ही फ्रूट लगता है। जो लोगों ने इसकी सब्ज़ी खाई होगी उनको मालूम होगा ये कितने टेस्टी बनते हैं, कितने अच्छे बनते हैं। ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड हमने यूज़ नहीं किया, तो इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है पेस्टिसाइड यूज़ करने की। कोई भी आप पेड़ के साथ में लगा देंगे तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है बड़े आराम से ये। तो ये टोकरी हमने एक तो फिल कर ली है, तो अभी अंदर वाली साइड में चलते हैं। चीकू के नीचे से जा रहा हूँ जो बाउंड्री वाल है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी टोकरी जो फिल हो चुकी है, वो भरी है हमने। तो ये अमलतास का पेड़ जिसके ऊपर ये बेल चढ़ी हुई है। तो आई होप आपको वीडियो समझ लग गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।